श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर कितना हर्ष है शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह उत्साह हर्ष केवल मनुष्य जाति में ही हो ऐसा भी नहीं है। जड़ चेतन पशु पक्षी वनस्पति नदी पर्वत सभी में होता है। उसकी अनुभूति तभी होती है जब हमारी चेतना अति शुद्ध पवित्र और भक्ति से परिपूर्ण होगी। सृष्टि में अनादि काल से वह व्याप्त हैं, कण कण में प्रविष्ट हैं, अजन्मा हैं, फिर भी पृथ्वी पर किसी निश्चित कालखंड में वह कुछ विशेष कार्य हेतु अवतरण करते हैं। राक्षसों को मारने हेतु, पृथ्वी को पापों से मुक्त करने हेतु नहीं, यह तो कार्य उनके स्वांश विविनाश रूप में उपस्थित अन्य अवतार करते हैं। उनका मुख्य प्रयोजन तो अपने शुद्ध भक्तों को परकरों को सुख देने हेतु नित्य नवीन लीला करने हेतु जिससे उसका स्मरण चिंतन करके भक्तजन प्रेमीजन इस जगत में व्याप्त उनकी माया से विरक्त हो सकें और उसका जो अनंत आनंद स्वरूप रूप है सच्चित आनंद से परिपूर्ण उसकी अनुभूति कर सकें और जीवन मरण के चक्र से बचकर उनके ही निजधाम में मंजिल रूप से सेवा काल में उनकी ही असीम कृपा से सदैव सदा के लिए चिरकाल तक स्थित रहकर निवास कर सकें। ऐसे मेरे परम आराध्य परपूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर अपनी प्रार्थना और भावों का अर्पण करता हूँ। जय श्री कृष्णा।